दोस्तों, मैं हूं मृन्मय और आप देख रहे हैं ओशियन माइंस। तो आज हम देखेंगे EGR, जो हालांकि नॉर्मल हर एक कारों में यूज हो रहा है, जिसका फुल फॉर्म है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे EGR काम करता है और EGR को हम क्यों कारों में यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। EGR मतलब एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, इसके नाम से पता चलता है इसमें कुछ एग्जॉस्ट जो गैसेस है वो रिसर्कुलेट होता है इंजन में। तो हम पहले देखेंगे कि EGR हम क्यों कारों में यूज़ करते हैं, उसके बाद हम जानेंगे EGR कैसे काम करता है। तो नॉर्मल जो IC इंजन होते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 2500 के करीब पहुंच जाता है, और उस टेम्परेचर में NOx प्रोड्यूस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जो हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट और ह्यूमन बींग्स के लिए। तो उस जो NOx है उसको हम रिड्यूस करने के लिए EGR यूज़ करते हैं कारों में। तो EGR कैसे काम करता है, उसका जो मेन कंपोनेंट्स है वो है EGR वॉल्व और इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशर ट्रांसफार्मर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशर ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है, उस EGR वॉल्व को एक्चुएट करता है। हालांकि अभी जो कार में यूज़ हो रहा है उसमें हम SS कोई सेंसर यूज़ नहीं करते हैं। अभी हम EGR वॉल्व को डायरेक्टली ECU से कनेक्टेड करते हैं, जो ECU ही उसमें इनपुट भेजता है कब उसको एक्चुएट होना है और कब उसको क्लोज हो जाना है। तो क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों ने जो एग्जॉस्ट गैसेस है उसको ऑरेंज कलर में दिखाया गया है और जो इनर गैस है उसको ब्लू कलर में दिखाया गया है। अब क्या होता है, एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद EGR वॉल्व एक्चुएट हो जाता है और वो क्या करते हैं, जो एग्जॉस्ट गैसेस है उसको इनर्ट गैस में थोड़ी मात्रा में मिक्स कर देता है। तो उससे क्या होता है, जो इनर्ट गैस में जो ऑक्सीजन होता है उसको डाइल्यूट कर देता है, और हमें पता है डाइल्यूटेड ऑक्सीजन एक एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है। तो वो डाइल्यूटेड ऑक्सीजन जो इंजन का टेम्परेचर है उसको 2500 डिग्री फारेनहाइट से रिड्यूस करके नियर अबाउट 23 डिग्री फारेनहाइट में ले आता है। तो उस टेम्परेचर में NOx प्रोड्यूस नहीं हो पाता, जिससे हमारा जो इमिशन होता है उसमें NOx का जो परसेंटेज है वो पहले से बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसे EGR काम करता है। और नॉर्मल हम जो अभी हालांकि जो कार आ रहा है मार्केट पे उसमें हर एक कारों में EGR लगा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।